नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तो स्टॉक्स में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बायोकॉन लिमिटेड के बारे में। आपको बता दूं, कुछ दिनों की गिरावट के बाद मार्केट में आज थोड़ी बहुत तेजी देखी गई और ये स्टॉक आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। 6 महीने में आपको बता दूं 23.57% का रिटर्न दिया है, 23.57% का रिटर्न। और आपको तो इस स्टॉक में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप ये वीडियो पूरा देखिएगा। स्टॉक के बारे में इस वीडियो में मैं पूरी जानकारी देने की कोशिश किया हूँ। तो सबसे पहले मैं स्टॉक का वैल्यूएशन दिखाऊंगा, उसके बाद हम किसी तरह चलेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न पे, फिर इसके लास्ट 3 क्वार्टर का जो रिजल्ट आया था वो दिखाऊंगा मैं, उसके बाद चलेंगे इसके बैलेंस शीट के ऊपर और फिर चलेंगे इसके चार्ट के ऊपर, जहाँ पर मैं दिखाऊंगा इसके लॉन्ग टर्म का परफॉर्मेंस। पास्ट में जो परफॉर्मेंस रहा 6 महीने आपको तो 23% का जो रिटर्न दिया वो दिया है नहीं दिया, ये मैं आपको इसके चार्ट में दिखा दूंगा। उसके बाद NSE के ऑफिशियल वेबसाइट पर चलेंगे, जहाँ पे इसका जो आज का ट्रेडिंग डे रहा वो कैसे रहा ये दिखाऊंगा मैं, इसका डिलीवरी डेटा और इसने जो लास्ट डिविडेंड दिया था वो कब दिया था, कितना दिया था, ये भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा NSE के ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग अगर हमारे चैनल पर नया आए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। ऐसे हम स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं, तो प्लीज़ फ्रेंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए सबसे पहले वैल्यूएशन की बात करते हैं। तो वैल्यूएशन में सबसे पहले मार्केट कैपिटलाइजेशन एंड मार्केट कैप की बात करेंगे, तो मार्केट कैप आप देख सकते हो 34,518 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी 34,518 करोड़ का मार्केट कैप है। मार्केट लॉट जो है हर स्टॉक की तरह 1 ही है, यानी एक पी जो 84.46 है यानी 84.46 है, इंडस्ट्री पी 28.49 है यानी 28.49 है। तब देख सकते हो स्टॉक का पी काफ़ी हाई है इंडस्ट्री पी से, तो एक नेगेटिव पॉइंट माना जाता है किसी भी स्टॉक के लिए स्टॉक का पी इंडस्ट्री पी से हाई होना। और इसके अलावा आप देख सकते हो बुक वैल्यू की बात करते हो 59.30 है यानी 59.30 है। EPS की बात करते हो EPS आप देख सकते हो 3.41 है यानी 3.41 है। डिविडेंड परसेंटेज जो है 10 है यानी 10% डिविडेंड देती है। इसके अलावा PC आप देख सकते हो 62.07 है यानी 62.07 है। प्राइस बुक आप देख सकते हो 4.85 है यानी 4.85 है। डिविडेंड परसेंटेज जो 0.17 है यानी 0.17। और फेस वैल्यू जो है 5 है यानी 5 है। डिलीवरेबल परसेंटेज 28.31 है यानी 28.31 है। 20% से ज़्यादा का डिलीवरेबल परसेंटेज अच्छा माना जाता है, तो इसमें देख सकते हो 20% से ज़्यादा का डिलीवरेबल परसेंटेज है, 28% डिलीवरेबल परसेंटेज है। तो ओवरऑल वैल्यूएशन देखा जाए ठीक ठाक है, उतना भी ज़बरदस्त नहीं है अच्छा, उतना भी ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि आपको तो पी जो है स्टॉक का पी इंडस्ट्री पी से हाई है। डिविडेंड परसेंटेज भी उतना ज़्यादा हाई नहीं है, बस डिलीवरेबल परसेंटेज ठीक है और फेस वैल्यू थोड़ी बहुत ठीक है। इसके अलावा स्टॉक का पी आपको बता दो इंडस्ट्री पी से हाई है, ये बहुत एक नेगेटिव वाली बात है, बहुत ज़्यादा ही हाई है। इसके बाद चले चलते इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में सितंबर 2019 और जून 2019 का डेटा मेरे पास अवेलेबल है। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रमोटर्स की, तो प्रमोटर्स आप देख सकते हो जून 2019 में 60.67% का परसेंट शेयर होल्ड किए थे प्रमोटर्स, यानी 60.67% शेयर प्रमोटर्स के पास था जून 2019 में। और सितंबर 2019 में 60.67 यानी 60.67% ही शेयर आपको प्रमोटर्स के पास था सितंबर 2019 में। इसके बाद बात करते हैं प्लेस शेयर की। प्लेस शेयर को हमेशा मैं बोलता हूँ कि जो प्रमोटर अपने शेयर जो किसी थर्ड पार्टी के पास गिरवी रखते हैं उसको प्लेस शेयर कहा जाता है। तो प्लेस शेयर यहाँ पर देख सकते हो 0.0 यानी आपको तो किसी भी प्रमोटर्स ने अपना कोई भी शेयर गिरवी नहीं रखा है, ना जून के क्वार्टर में ना सितंबर के क्वार्टर में। इसका एक इंपॉर्टेंट इन्वेस्टर की बात करते हैं जो कि FII यानी फॉरेन इन्वेस्टर। तो फॉरेन इन्वेस्टर की होल्डिंग आप देख सकते हो जून 2019 में 16.43 यानी 16.43 था, वहीं सितंबर 2019 में 15.75 यानी 15.75 था। इसके बाद टोटल DII की बात करता हूँ जून 2019 में 9.74 यानी 9.74 और सितंबर 2019 में 10.22 यानी 10.22। और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात करता हूँ जून 2019 में 1.26 यानी 1.26 और सितंबर 2019 में आप देख सकते हो 1.05 यानी 1.05। इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की बात करें तो इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन अभी तक इस स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं किया, जून के क्वार्टर में भी 0 है और सितंबर के क्वार्टर में भी 0 आप देख सकते हो। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट इन्वेस्टर होते हैं जो कि होते हैं म्यूचुअल फंड कंपनीज यानी MF। तो MF की जो होल्डिंग है आप देख सकते हो जून 2019 में 3.01 यानी 3.01% की होल्डिंग थी म्यूचुअल फंड कंपनीज की जून 2019 के क्वार्टर में, और सितंबर 2019 में 3.48 यानी 3.48। अदर DIS की बात करते हैं, अदर DIS में देख सकते हो जून 2019 में 5.47 यानी 5.47 और सितंबर 2019 में 5.69 यानी 5.69। अदर्स की बात करते हैं, अदर्स जून 2019 में 13.17 यानी 13.17 और सितंबर 2019 में 13.37 यानी 13.37।
तो ये था आपको दो ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा था तो काफ़ी अच्छा, आप देख सकते हो प्लेस शेयर 0-0 यानी प्रमोटर्स में कोई शेयर गिरवी नहीं रखा। FII यानी फॉरेन इन्वेस्टर भी आप देख सकते हो अच्छा खासा इन्वेस्ट किए हुए स्टॉक में, अच्छा खासा होल्डिंग बना के रखे। और म्यूचुअल फंड कंपनीज ने अपना इन्वेस्ट इंक्रीज़ किया तो ये भी एक पॉजिटिव बात है इस स्टॉक के लिए। तो आप देख सकते हो स्टॉक का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है काफ़ी अच्छा। और इसके बाद बात करते हैं इसके लास्ट क्वार्टर का जो रिजल्ट है, और रिजल्ट मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। आप देख सकते हो दिसंबर 2019, सितंबर 2019 और जून 2019 का डेटा है। तो नेट सेल की बात करेंगे तो नेट सेल आप देख सकते हो जून 2019 में 480.80 करोड़ का नेट सेल था, सितंबर 2019 में 523.90 करोड़ का नेट सेल था। आप देख सकते हो जून 2019 के क्वार्टर सितंबर के क्वार्टर में इंक्रीज हुआ था नेट सेल में, वहीं आप देख सकते हो दिसंबर के क्वार्टर में थोड़ा डिक्रीज हो गया। इसको फ्लैट ही मान के चले तो भी चलेगा। आप देख सकते हो 501.30 करोड़ का नेट सेल था आपको दिसंबर 2019 के क्वार्टर में। इसके बाद बात करते हैं सबसे नीचे नेट प्रॉफिट की, कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो कितना था। आप देख सकते हो जून 2019 में नेट प्रॉफिट जो था 111.90 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, वहीं सितंबर में फिर थोड़ा डिक्रीज हो गया। आप देख सकते हो 106.10 करोड़ का नेट प्रॉफिट हो गया था, दिसंबर में फिर इंक्रीज हो गया था। आप देखो 120.70 करोड़ का नेट प्रॉफिट हो गया था, और दिसंबर में आप देखो जून के क्वार्टर से भी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, 120.70 करोड़ का नेट प्रॉफिट है दिसंबर के क्वार्टर में। तो ये कंपनी की काफ़ी अच्छी बात है, कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है, इससे कंपनी और अच्छे से ग्रो कर पाएगी और कंपनी का स्टॉक भी ऊपर जाएगा। तो कंपनी के लिए बहुत अच्छी बात है अगर नेट प्रॉफिट में ग्रो बढ़ोतरी कर रही है। तो इसका बात करते हैं इसके बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट में सबसे पहले टोटल शेयर कैपिटल देखते हैं। टोटल शेयर कैपिटल आप देख सकते हो मार्च 2018 में 300 करोड़ का टोटल शेयर कैपिटल था, वही मार्च 2019 में आप देख सकते हो 300 करोड़ का टोटल शेयर कैपिटल था, दोनों ईयर में सेम ही थे। और उसके बाद नेटवर्थ देखते तो नेटवर्थ आप देख सकते हो मार्च 2018 में 6738.60 करोड़ का नेटवर्थ था, आप देख सकते हो वही मार्च 2019 में 7115.40 था। और इसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है बैलेंस शीट में ओके होता है टोटल डेप्थ। तो थर्ड नंबर आप देख सकते हो टोटल डेप्थ यानी कंपनी के ऊपर कर्जा कितना, डेप्थ का मतलब होता है कंपनी के ऊपर कर्जा कितना। तो आप देख सकते हो जो कंपनी के ऊपर कर्जा है मार्च 2018 में 67.20 करोड़ का कर्जा था, यानी 67.20 करोड़ का कर्जा था, वही आप देख सकते हो लगभग एकदम ना के बराबर कर दिया था। तो मार्च 2019 में 1.40 करोड़ हो गया था कर्जा, यानी टोटल डेप्थ 1.40 हो गया था। और जैसे आपको तो बैलेंस शीट आएगा मार्च 2020 का, आप देखेंगे बिल्कुल कंपनी के ऊपर कर्जा नहीं है, पूरा क्लियर कर देंगे। उस टाइम आपको तो शेयर थोड़ा जैसे बैलेंस शीट आएगा कर्जा क्लियर डेप्थ कंपनी दिखेगी, तो उस टाइम थोड़ा शेयर आपको तो इस कंपनी का जो स्टॉक है थोड़ा ऊपर जाता हुआ दिखे आपको। और आप देख सकते हो एकदम आपको तो एकदम कर्जा कम कर देते थे कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी बात है। अब से आपको तो इसका जो नेट प्रॉफिट है आपको तो कंपनी का प्रॉफिट है अपने ग्रोथ पे लगा पाएगी, तो काफ़ी अच्छी बात है कंपनी के लिए। इसका चले चलते हैं इसके चार्ट के ऊपर। तो चार्ट में आप देख सकते हो आज 13 मार्च का दिन है, आज जो आपको तो अभी मार्केट क्लोज हो चुका है और मार्केट जो क्लोज हो आप 285.25 रुपये पर क्लोज होता है स्टॉक, 10.70 रुपये आज स्टॉक ऊपर था, 3.90% की तेजी थी, अच्छी खासी तेजी थी आज के दिन। पिछले 5 दिन के परफॉर्मेंस की बात करें, पिछले 5 दिन में लगभग आप देख सकते 6.93 लगभग 7% आपको तो डाउन है, यानी 6.93% नीचे गया स्टॉक, 21.25 रुपये नीचे गया पिछले 5 दिन में। पिछले 6 महीने की बात करते हैं, पिछले 6 महीने में 7.33% का नेगेटिव रिटर्न है, 22.55 रुपीज़ आपको बता दूँ 22.55 रुपीज़ यानी 22.55 रुपये नीचे गया पिछले 1 महीने में। पिछले 6 महीने की बात करें, जैसे कि मैंने थंबनेल में लिखा पिछले 6 महीने में 23% का पॉजिटिव रिटर्न दिया, आप देख सकते हो तो 23.57% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, और 54.40 रुपये आपको तो स्टॉक ऊपर गया पिछले 6 महीने में। एयरटेल डेट की बात करें यानी 1 जनवरी 2020 से लेकर अब तक की, तो 3.16% डाउन गया यानी आपको स्टॉक आपको बता दूँ, और 9.30 रुपये नीचे गया 1 जनवरी 2020 से लेकर अब तक। अब बात करते हैं पिछले 1 साल के रिटर्न की, तो पिछले 1 साल के रिटर्न में भी आप देख सकते हो नेगेटिव परफॉर्मेंस है, 7.61% की आपको तो गिरावट है, और 23.50 रुपये स्टॉक नीचे गया पिछले 1 साल में। पिछले 5 साल की बात करते हो, पिछले 5 साल में पॉजिटिव रिटर्न है और अच्छा खासा रिटर्न है, आप देख सकते हो लगभग आपका पैसा 4 गुना कर दिया होगा अगर आप पिछले 5 साल पहले स्टॉक में इन्वेस्ट किए होंगे तो। 293.77% का पॉजिटिव रिटर्न है, 212.81 रुपये आपको तो ऊपर गया पिछले 5 साल में स्टॉक, तो काफ़ी अच्छा रिटर्न है। और मैक्सिमम चार्ट की बात करें जब से लिस्ट तब से लेकर अब तक की, तब देख सकते 489.24% का आपको तो रिटर्न है, 237.84 रुपये स्टॉक ऊपर गया लॉन्ग टर्म के चार्ट में। अब बात करते हैं NSE के ऑफिशियल अलर्ट से, बाकी जानकारी वहाँ देते हैं आप लोगों को। तो आज का क्लोजिंग प्राइस मैं पहले ही बता चुका हूँ, 286.05 रुपये का था, 11.50 रुपये ऊपर गया स्टॉक आपको बता दूँ। ये 4 बजे तक का डेटा था, और आपको बता दूँ जो चार्ट में आपको दिखाता हूँ 3:30 बजे तक का डेटा था, तो 4 बजे तक आता था 4% की तेजी थी, आप देख सकते हो 4.19% ऊपर गया था आपको तो स्टॉक आज 4 बजे तक। और प्रीवियस क्लोज जो था आप देख सकते हो 274.55 रुपये का था, ओपन जो होता 247 रुपये पर हुआ, 247.25 रुपये पर हुआ था, और हाई जो लगा था 293.65 रुपये का लगा था, लो जो लगा था 238.90 रुपये का लगा था, और क्लोज एडजस्टेड प्राइस जो था आप देख 288 रुपये का है।
52 भी खाई, 52 भी लो की बात करता हूँ, आप देख सकते हो 52 भी खाई, 52 भी लो आपके सामने ग्रीन में आपको दिख रहा है 52 भी खाई, तो 323.50 का जो कि 24 फरवरी 2020 को लगा था 52 भी खाई, और 52 भी लो की बात करता हूँ 211.05 का जो कि 20 अगस्त 2019 को लगा था। इसके बाद बात करते हैं सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजिशन की, तो 13 मार्च का 4 बजे तक का डेटा अवेलेबल है, आप देख सकते हो। तो 13 मार्च 4 बजे तक जो टोटल क्वांटिटी ट्रेड हुआ था, आप देख सकते हो 71,26,715 क्वांटिटी ट्रेड होता है, काफ़ी हाई वॉल्यूम ट्रेड होता है, अच्छी खासी ट्रेडिंग हुई थी, वॉल्यूम काफ़ी अच्छा, और इसमें से डिलीवर वाली जो क्वांटिटी थी आप देख सकते 24,72,963 क्वांटिटी डिलीवर हुई थी, यानी 24,72,963 क्वांटिटी जो है डिलीवरेबल क्वांटिटी है, तो काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में डिलीवर हुई थी, और परसेंटेज ऑफ डिलीवर क्वांटिटी जितनी क्वांटिटी ट्रेड हुई थी उसमें से अब जैसे 34.70% की डिलीवरी हुई थी, और 34.70% की, तो काफ़ी अच्छी डिलीवरी हुई है, और 20% से ऊपर की डिलीवरी होनी चाहिए, तो आप जैसे 20% से ऊपर की डिलीवरी है तो काफ़ी अच्छी डिलीवरी मानी जाएगी, इससे कंपनी को इससे स्टॉक को काफ़ी फायदा मिलेगा। अब बात करते हैं इसने जो लास्ट डिविडेंड दिया था वो कब दिया था, कितना दिया था, ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, और बोनस भी दिया था इसने, बोनस शेयर वो भी मैं बताऊंगा, तो आप देख सकते हो आपके सामने ही है 50 पैसे पर शेयर डिविडेंड दिया था जो कि 18 जुलाई 2019 को दिया था। इसके बाद आप देख सकते हो 12 जून 2019 को बोनस भी दिया था, एक शेयर के ऊपर एक शेयर बोनस दिया था, उसके बाद 1 रुपये पर शेयर डिविडेंड दिया था 19 जुलाई 2018 को, और फिर 1 रुपये पर शेयर डिविडेंड दिया था 20 जुलाई 2017 को, और इससे पहले एक बार और बोनस दिया था 2 शेयर पे 1 शेयर बोनस दिया था इन्होंने 15 जून 2017 को। तो आपको बता दो ये स्टॉक बोनस भी देती है और डिविडेंड भी देती है, तो अगर आप स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाह रहे हो तो कर सकते हो, जितनी भी जानकारी मेरे पास थी इस स्टॉक के बारे में मैंने आपको दे दी है, लास्ट में आपको ही डिसाइड करना है, जानकारी पूरी जानकारी लेके कि आपको डिसीजन लेना कि आपको स्टॉक में इन्वेस्ट करना है नहीं करना। मेरी पर्सनली मतलब मेरी पर्सनली जो एडवाइस है मैं यही कहूँगा कि अगर आप स्टॉक में इन्वेस्ट करें तो लॉन्ग टर्म के लिए ही जाएगा, और शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करें तो बहुत ही आपको बता दो सावधानी बरतनी पड़ेगी, बहुत ही आप अच्छे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी सलाह लीजिएगा इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने का, भले ही लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म हो, मेरी पर्सनली ये राय है। और आप ट्रेडिंग स्टॉक में ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, तो देखिएगा आपको इन्वेस्टमेंट करना है ट्रेडिंग करना है या आपको लेना डिसीजन। और लास्ट में आप लोगों से फिर से आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अगर हमारे चैनल पर नया आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, नोटिफिकेशन मिलते ही आप स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो देख सके। और लास्ट में फिर से एक बार कहूँगा कि आप एक बार जरूर अपनी भी रिसर्च कर ले स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए, आप मेरे कहने पर इन्वेस्ट मत कीजिएगा, आप अपने डिसीजन पर ही इन्वेस्ट कीजिएगा, एंड आपकी कोई क्वारी है तो कमेंट सेक्शन में वहाँ पर पूछ सकते हो, मैं वहाँ पर आकर जरूर आपको रिप्लाई करूँगा, और वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, एंड आई होप इतना रिक्वेस्ट कर आप लोगों ने सब्सक्राइब भी कर दिया होगा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मिलता है अगले वीडियो में, जय हिंद।